हेलो दोस्तों, एक खुशी की खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है ओल्ड पेंशन का फायदा। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। दोस्तों पहला पार्ट से हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताएंगे और दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि किन सरकारी कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा और तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि किस मंत्रालय की ओर ये पेंशन का मामला आता है और चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों वो है पॉइंट कि CRPF को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं और लास्ट में दोस्तों हम न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि 2010 में सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को नियुक्ति किया था। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारी को बहुत कम फायदे मिलते हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले पॉइंट की ओर, जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य शामिल हैं और दूसरे राज्य भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों केंद्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है और केंद्र कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी है। मंत्रालय की राय के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है, जिससे हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा हो जाए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हमारे किन सरकारी कर्मचारी को हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। दोस्तों केंद्र सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है तो उन कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा होगा जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन के मामलों में कानून मंत्रालय से राय मांगी है। उनका जवाब मिलने के बाद रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी। दोस्तों वीडियो पर बने रहे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है कि हमारा जो पेंशन का मामला है किस मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन मामलों को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे चौथे पॉइंट की ओर, जो कि CAPF के लिए है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर दोस्तों आप ध्यान देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CAPF को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान देते हुए बताया कि सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने पर कोई विचार नहीं है। उनसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद मिलिट्री में आने वाले जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं। उनके मुताबिक सेंटर सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं, हालांकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा। दोस्तों अब है लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताने वाले जा रहा हूं दोस्तों कि इसे गौर से सुनना कि न्यू पेंशन स्कीम से ज़्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम में क्यों फायदे हैं। राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाल में ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, वहीं पंजाब और महाराष्ट्र में इस पर विचार चल रहा है। दोस्तों 2010 के बाद सरकार ने न्यू पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारी को बहुत कम फायदे मिलते हैं, इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा। दोस्तों यही है ओल्ड पेंशन और न्यू स्कीम के फायदे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट भी छोड़ना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।